हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी इस समय विपासना मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये उसका सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे देखा था कि हमें अपनी सांस को ऑब्ज़र्व करना था, आनापान जिसको बोलते हैं, कि सांसों का स्वभाव कैसा है बिना किसी कंट्रोलिंग पावर के, केवल उसको ऑब्ज़र्व करना। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने से पहले आपको कुछ सुनवाना है। कुछ फील हुआ? कोई भी सेंसेशन, कोई संवेदना आपके शरीर में जरूर हुई होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो मैं नहीं जानता। तो होता यह है कि हमारे माइंड में जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में संवेदनाएं आती हैं, और उन संवेदनाओं के अकॉर्डिंग हम एक्शन एक्ट करते हैं। तो अब हमें अपने सेकंड पार्ट में इसी चीज़ को शामिल करना है कि हम अब क्या करेंगे। हम जो सांस ले रहे हैं, सांस की गहराई को देखना है कि ये सांस जो अंदर जा रही है वो उसकी गहराई कहाँ तक है, जो सांस बाहर आ रही है वो कहाँ तक जा रही है, और हमारी इस नाक के अंदर वो अंदर जाने वाली सांस नाक के किस किस भाग को छू रही है, बाहर आने वाली सांस ऊपर वाले होंठ के हिस्से पर किस किस हिस्से को छू रही है, हमें ये ऑब्ज़र्व करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना है अब कि यहाँ पर इस पूरे हिस्से पर किस तरह की संवेदनाएं आपको महसूस होती हैं। संवेदनाएं कई तरह की हो सकती हैं। हो सकता है आपको भारीपन महसूस हो, या कोई कंपन महसूस हो, या हल्कापन हो, कोई खिंचाव, तनाव, गर्माहट, कुछ ठंडा, कुछ भी आपको लग सकता है। बस आपको ध्यान दिए देना है, इन संवेदनाओं को भी आपको केवल ऑब्ज़र्व करना है। आपको संवेदना जैसी महसूस हो, केवल उसको ऑब्ज़र्व किया और वहीं पर छोड़ दिया। इसके अलावा आपको और इस पे कोई काम नहीं करना है। जैसे जैसे आपका मन और ज़्यादा सूक्ष्म होता चला जाएगा, आपको ये संवेदनाएं बहुत अच्छे से महसूस होने लगेंगी। और इसके लास्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे, जिसमें विपासना की आपको विद्या दी जाएगी कि आगे इसमें होता क्या है, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और इस संवेदनाओं का मैं पूरी तरह से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लगभग 10 मिनट का रहेगा हमारा पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।